हाँ भाई सुनिए, चैप्टर नंबर 6 में आज तक जो अपने टॉपिक हुए एक बार मैंने तो मैं दोबारा से जोड़ रहा हूँ उनसे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो डीएनए होता है वह एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है। ये मैंने एक लाइन कही थी केवल कि डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब शब्द समझो कि ये पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। शब्द खुद कह रहा है कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें बहुत सारे क्या हो, न्यूक्लियोटाइड हो। अरे जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे आप उसको पॉली न्यूक्लियोटाइड ना कह सकेगा। पॉली माने क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड माने न्यूक्लियोटाइड। तो जो आपका डीएनए होता है वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो फिर आपका ध्यान होना चाहिए कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको बनाना सीखना होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाए। कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना कैसे। तेरी रफ में एक और बार बनाया हो मैंने, खड़ा हो दोबारा, खड़ा हो, कहाँ है रफ, रफ निकाल तेरी, समझ में नहीं आया। एक आध बार न्यूक्लियोटाइड बनाने का तो नहीं, बना के देखा कि ये बता तुझे, बना के देखा डीएनए की संरचना बना के देखी रख में। एक आध बार वो एक्सपेरिमेंट करके देखो तो ने ग्रिफिथ को हर से चीज को चूहा मार के देखो तो ने कभी बैठ जा। सुनिए हर चीज की प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाओगे ना। तो जिस बच्चे को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा टिपिकल है ये चैप्टर जो है ना, कंसेप्ट है इसमें। यदि आप यहाँ से इसको समझेंगे और फिर उसकी रफ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको पता चलेगा कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। अब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ अब जैसे अरे न्यूक्लियोटाइड को बना के देखो, अरे यहाँ तो आपने समझा है केवल कि हमें ऐसे बनाना है, उसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना रफ में कि हम कैसे बनाएं उसको, ठीक है। हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन वो था, दूसरा क्वेश्चन था कि भाई जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है या उसका द्विरज्जु की मॉडल होता है जो वॉटसन क्रिक ने दिया था। आप डायग्राम बनाना सीखो, ए टू जेड पॉइंट आप कर सकते हो उसके बारे में। देखो बहुत सिंपल सा था, मैं इसको एक डीएनए मान लेता हूँ डबल हेलिक्स और इसमें नाइट्रोजन क्षार में जो ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देखो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है कि ना है, बोलो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हम रटने की और समझने की आवश्यकता ही ना। दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। अब याद करना है आपको कि यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक को जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। तो डीएनए को व्यास कितना हो गया, 20 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन की लंबाई, अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आखिर एक कुंडलन है क्या चीज, कि जहां से आप चलो या तो यह मान लो तो यहाँ से यहाँ तक मान लो, ये भी एक कुंडलन माना जाएगा, ठीक है। और या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक ये भी एक कुंडलन माना जाएगा। ऐसे एक कुंडलन है, एक कुंडलन है तो इसमें 10 जोड़ी क्षार युग्म होते हैं। प्रत्येक कुंडलन की लंबाई कितनी मैंने आपको बताई थी, 34 एंगस्ट्रॉम। और जब इसमें 10 जोड़ी क्षार युग्म है तो प्रत्येक की बीच दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम नहीं हो जाएगी क्या, तो क्या दिक्कत है इसमें। डायग्राम बनाओ, पॉइंट प्रैक्टिस से लिखो, रफ में लिखना है तब आपको समझ में आएंगे। ऐसे याद करें तो नहीं आवेगा क्या, हम सो गए और तकिया लगा ली और पढ़ रहे भाई डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम की, ऐसे समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ गाने चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ईयरफोन आजकल मिल रहे हैं तुम्हारे पास सुविधा और मिल रही है, और कोई घर वालों आज कहते हैं अरे वीडियो चल रही है, बायोलॉजी चल रही है। हाँ चलो सुनो, नेक्स्ट
सिंपल सा टॉपिक है केवल, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। उसके बाद अरे पहले टॉपिक अन्य पढ़े करो। कितनी बार कहूँ मैं आपसे, 11th क्लास से बोल रहा हूँ, पहले टॉपिक के अर्थ है समझे करो, हेडिंग के, कि हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूँ पता होनी चाहिए। अरे कई बार जब इनविटेशन आवे तुम्हारे का, जो नौ तो आवे, तो तुम भाई साहब से तैयार हो। अरे जैसे कोई स्कूल मतलब कोई यार दोस्त को अगल बगल गांव से आएगा नो तो कह जाएंगे, अरे टी शर्ट पजामा ही पहन चले, कहाँ दिक्कत है वहाँ। उन्हें थोड़ो दूर से आ जाए, अरे यार वहाँ तो बढ़िया कपड़ा पहन के चलना है। तो सोच बदले ना बदले, तो ऐसी पहले टॉपिक है देखे करो, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। आखिर हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दो क्वेश्चन थे ये नॉर्मल। उसके बाद फिर मतभेद स्टार्ट हो गया, और वो मतभेद इस बात पे था कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो दिमाग में घुसाओ वह शब्द है पहले, कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल कौन है, आनुवांशिक पदार्थ कौन है। तो वैज्ञानिक ग्रिफिथ, उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट, किसको समझाने के लिए किया था बोलो, कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, इसको समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। कितना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, कितना सिंपल सा। कितनी बार मैंने आपको बताया कि जीव, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का जीवाणु, अरे ये जीवाणु दो रूपों में पाया जाए, या कि दो नस्ल ही नस्ल, नस्ल जान है। एक जीवाणु था जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या नाम है उसका, स्ट्रेप्टोकोकस। और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु है ना, ये कौन सा रोग फैलावे हमारे अंदर, न्यूमोनिया रोग फैलावे। तो ग्रिफिथ ने एक बात नोटिस की कि जो ये न्यूमोनी नाम का जीवाणु है, ये अकेला नहीं होता है, ये एक प्रकार का नहीं होता है, ये दो प्रकार का होता है। तो जाके कितने समूह है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के, दो समूह। अब दो समूह कौन कौन से, एक ऐसा समूह जिस पे श्लेष्मा का आवरण था, किसका आवरण था, श्लेष्मा। तो जिस पे श्लेष्मा का आवरण होगा वो चिकना चिकनी सतह वाला होगा कि नहीं होगा। अब कहां ध्यान, नजर में तो मेरी में तुझे, मैं 11th क्लास से देख रहा हूं, दो तीन बच्चा में, ठीक है। ये 12th क्लास है, घोड़ा बना था वो, घोड़ा चना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए सुनो, अभी पूछूंगा मैं इसको, देखो बहुत सिंपल है, जरा ध्यान सुनना आप। टॉपिक ये था कि आखिर आनुवांशिक पदार्थ है कौन, डीएनए है, प्रोटीन है, या आरएनए है। तो इस बात पर जब मतभेद चल रहा था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफिथ, ठीक है भाई। अब ग्रिफिथ ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, और अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने, उन्होंने एक सुनो, ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक जीवाणु पर किया, और उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब ये जीवाणु ऐसा है जो हमारे अंदर कौन सा रोग फैलाएगा, बोले न्यूमोनिया फैलाएगा। क्या फैलाएगा, अरे नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो स्तनधारियों में ये कौन सा रोग फैलाता है, न्यूमोनिया फैलाता है। अच्छा, अब उन्होंने एक बात नोटिस की, यार ये स्ट्रेप्टोकोकस तो दो प्रकार का है, एक तो ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस है जिसपे श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, तो या इसको मैं कैप्सुलेटेड जीवाणु कह सकूं ना, या फिर यहाँ पे कैप्सूल को आवरण है, कैप्सुलेटेड है मतलब एक आवरण है, देखे ना कौन को आवरण है, श्लेष्मा, ठीक है। श्लेष्मा कैसा पदार्थ है, चिकना पदार्थ है। तो मैं आप यू कह सकूं ना कि ये जीवाणु चिकनी सतह वाला है, कैसी सतह वाला है, चिकनी सतह। तो चिकनी सतह को आप स्मूथ ना बोलने का बोलो,
ना वो ना स्मूथ इंग्लिश टर्म ना आता स्मूथ चिकनी सतह को, तो मैं आपके एस त्रिभेद ना कह सकूंगा जीवाणु ना कह सकूंगा एस त्रिभेद बोलो। तो एस प्रभेद एक तो एक एक जीवाणु तो था एस प्रभेद। अच्छा क्या है एस प्रभेद बताओ मुझे। अरे एस प्रभेद ऐसा जीवाणु है जिसपे श्लेष्मा का आवरण है, और एक जीवाणु ऐसा है जिसपे किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता। अरे जिसपे किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है इसकी सतह चिकनी थोड़ी होगी, खुरदरी होगी। कैसी होगी? और खुरदरी को इंग्लिश में बोलते हैं रफ, आर ओ यू जी एच रफ बोलते हैं। तो मैं क्या इसको आर प्रभेद नाम नहीं दे सकता? क्या बोल मैं इसको आर प्रभेद नहीं कह सकता? तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले यही बात बताई थी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का जीवाणु होता है वो दो प्रकार का मिलता है। एक तो ऐसा जीवाणु जिस पर श्लेष्मा का आवरण होता है जिसका नाम हम क्या कह सकते हैं बोलो, एस प्रभेद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और एक ऐसा जीवाणु जिस पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता हम उसको क्या कह सकते हैं बोलो, आर प्रभेद। क्या कह सकते हैं? पहले तो यह कंसेप्ट क्लियर करो, ये इनको अंतर समझ मारो बिना आयो खड़ो। हाँ कौन है एस प्रभेद और आर प्रभेद कौन है? कुछ का आवरण नहीं होता। अभी बात समझ में आ गई, अब बैठ जाए। सुनो सबसे पहले तो इन जीवाणु में अंतर समझो। एक ऐसा जीवाणु जिस पर आवरण है श्लेष्मा का जिसको आप चिकनी सतह वाला जीवाणु कह सकते हैं, और एक ऐसा जीवाणु जिस पर किसी का भी आवरण नहीं है आप उसको आर प्रभेद या खुरदरी सतह वाला जीवाणु कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो पहले है ना? आप सुनिए, अब उसने एक और बात कही कि जो एस प्रभेद जीवाणु है ये तो ऐसा जीवाणु होता है जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है, और आर प्रभेद ऐसा जीवाणु होता है जो रोग नहीं फैलाता। बोलो इस पॉइंट में क्या दिक्कत है? अरे जिस जीवाणु पर श्लेष्मा का आवरण है आप उसको एस प्रभेद बोलेंगे, और जिस पे आवरण नहीं है आप उसको आर प्रभेद बोलेंगे। एक पॉइंट तो ये था। अब दूसरा पॉइंट क्लियर ये हो गया कि जिस पे श्लेष्मा का आवरण है वो तो हमारे अंदर क्या फैलाता है, और जो आर प्रभेद है वो हमारे अंदर रोग फैलाता। ये सेकंड पॉइंट है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है अब आगे चले। अब सुनो, अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चूहा लिया, एक चूहा। अब चूहा क्यों लिया? क्योंकि तो चूहा भी तो मैमल्स है, चूहा भी तो स्तनधारी है, हमारे वर्ग में आता है ना, चूहा भी स्तनधारी है और हम भी स्तनधारी है, और ये जीवाणु कौन है जो किन में रोग फैलाता है बोलो? तो हम चूहे को ले सकते हैं ना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये उनमें रोग फैला सकता है नहीं फैला सकता बोलो? इसलिए चूहे को लिया था क्योंकि वो भी हमारे जैसे वर्ग था। अब इन्होंने क्या किया, अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, यह एक चूहा है। हाँ चूहा है, मान लीजिए सब कुछ ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, सुनिए अब ध्यान सुनना, ये इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा, यदि मैं इस चूहे में इस एस प्रभेद वाले जीवाणु को प्रवेश करा दूं तो क्या ये चूहा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्यों? क्योंकि एस प्रभेद तो ऐसा जीवाणु था जो किसमें रोग फैलाता है? स्तनधारियों में। कौन सा रोग फैलाता है? अरे जब आप चूहे में एस प्रभेद को प्रवेश करा रहे हैं तो क्या इसको निमोनिया नहीं होगा क्या? और निमोनिया होगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी क्या बोलो? ये मृत्यु मर जाएगा ना चूहा? तो पहला एक्सपेरिमेंट था कि जब चूहे में एस प्रभेद वाले जीवाणु को प्रवेश कराया तो चूहे की क्या हो गई? मैं आपसे पूछूं कि इसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी तो आपका आंसर क्या होगा? 100% होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये रोग फैलाता है। ये बता दिया था किसने? गिरफ्त। अब मैं किसी दूसरे चूहे में आर प्रभेद वाले जीवाणु को प्रवेश कराऊं
आपका आंसर होगा ये चूहा जीवित रहेगा। अरे बुद्धिहीनों, क्या आर प्रभेद रोग फैलाता है? नहीं। और जब आप किसी चूहे में आर प्रभेद को प्रवेश करा रहे हैं तो क्यों मरेगा ये चूहा? क्योंकि ये रोग ही नहीं फैलाता। तो ये चूहा कैसा रहेगा भाई? ये दो एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग प्रवेश कराए थे। एक बार कंप्लीट एस प्रभेद प्योर रूप से तो चूहे की मृत्यु होना स्वाभाविक है, दूसरी बार आर प्रभेद कंप्लीट प्योर रूप से चूहे का बचना स्वाभाविक है क्योंकि उसमें रोग नहीं है। यहां तक के पॉइंट में बोलो कोई दिक्कत हो? अब आगे सुनो। अब उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट कुछ अलग किया, कुछ हटके किया। अब इन्होंने क्या किया कि जो एस प्रभेद वाला जीवाणु था, एस प्रभेद वाला वो रोग फैलाता था, रोग फैलाता था ना एस प्रभेद वाला, बोलो। अब इन्होंने क्या किया, इस एस प्रभेद जीवाणु को 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया। अब इतने टेम्परेचर पर इस जीवाणु की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु। जीवाणु की क्या हो जाती है? अरे जो एस प्रभेद था ना, हमने उसको कर दिया ताप मृत। क्या कर दिया भाई? मतलब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसकी हमने मृत्यु करा दी एस प्रभेद की। बोलो एस प्रभेद कैसा जीवाणु है? जो रोग कारक है, मतलब रोग फैलाता है। अब आपने क्या किया है तीसरे एक्सपेरिमेंट में, इसको नष्ट कर दिया, इसको मार दिया है जीवाणु। अब इस मरे हुए जीवाणु को यदि मैं इस चूहे में अगेन प्रवेश कराऊं, चूहे में, तो बोलो चूहा कैसा रहेगा? जीवित रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे आपने एस प्रभेद जो कि रोग फैलाता था, अरे उसको तुमने मार तो दिया भाई, अब वो मर गया तो रोग क्यों फैलाएगा वो? तो यदि मैं एस प्रभेद जीवाणु को ताप से मृत करके चूहे में प्रवेश कराऊं तो क्या चूहे की मृत्यु होगी? बोलो नहीं होगी। तो चूहा तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी कैसा रहा था? जीवित रहा था। कैसा रहा था बोलो? यहां तक बात क्लियर? अब चलते हैं अपने चौथे एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब उन्होंने लास्ट में एक अलग हटके एक्सपेरिमेंट किया, सुनना। ये आर प्रभेद है और ये एस प्रभेद है, लेकिन ये एस प्रभेद कैसा है भाई? अच्छा, जब तापमृत एस प्रभेद को तीसरे एक्सपेरिमेंट में प्रवेश कराया था तो चूहे की कंडीशन क्या थी? जीवित रहा था, और रहना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये तो तापमृत जीवाणु था एस प्रभेद। लेकिन यदि ये जिंदा होता तो क्या करता? चूहा मर जाता, क्योंकि उसमें न्यूमोनिया रोग था। ठीक है, अब चौथा एक्सपेरिमेंट सुनो। ये आर प्रभेद है, ये कौन सी अवस्था का है? जीवित अवस्था का। अरे छोरा तू क्यों ना गए और निहंत हो रहे हो, क्या हो रहा? कोई बात नहीं, आवाज आ जाएगी ना, गूंज जाएगी। चलिए चलो अब लगा लो। कहाँ गई हीरो? ऐसा कई बार हो चुका है ना। चलिए अम्बे, अच्छा इसने भी आपसे थोड़े पहले, इसको पता था स्टार्टिंग में? हाँ कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है आपने ध्यान दिलाया। सुनिए भाई, हाँ जो चौथा एक्सपेरिमेंट था ना वो थोड़ा हटके था। अब हटके कैसे था सुनना, अभी लास्ट कंसेप्ट है ना, सुनिए। इन्होंने अपने चौथे एक्सपेरिमेंट में जो एस प्रभेद था वो तापमृत था और आर प्रभेद जो था जीवित, कैसा था? जीवित। इन दोनों को एक साथ मिला दिया, मिला सकते हैं हम दोनों को, और एक साथ मिलाकर इन्होंने चूहे में इसको प्रवेश कराया। बोलो एक साथ मिलाकर। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए कि चूहा कैसा रहना चाहिए भाई? अरे स्वाभाविक है, जीवित रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आर प्रभेद है वो रोग नहीं फैलाता है, एस प्रभेद है लेकिन वो कैसा है? तापमृत है। अरे तीसरे में स्पेशल इसी को तो डाला था, फिर भी चूहा कैसा था?
तो हमारे अनुसार ये चूहा नहीं मरना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट क्या था, इस चूहे की क्या हो गई। अब ग्रिफिथ का दिमाग घूमा कि आखिर इस चूहे की मृत्यु कैसे हुई, जबकि नहीं होनी चाहिए थी। बोलो, होनी चाहिए थी क्या? स्वाभाविक तरीके से नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन इस चूहे की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। अब उनको एक झटका लगा, यार आखिर इसकी मृत्यु हुई कैसे। तो पहले तो यूँ बताओ, ये चार एक्सपेरिमेंट कितने सरल हैं बोलो। अरे पहले एस प्रभेद कराओ, चूहा मरेगा। आर प्रभेद को कराइए, चूहा जीवित रहेगा। एस प्रभेद को कराइए लेकिन ताप मृत करके, चूहा फिर भी जीवित रहेगा। चौथे एक्सपेरिमेंट में दोनों को मिलाइए, जिंदा रहना चाहिए था लेकिन कैसा मिला, चूहा मरा मिला। तब ग्रिफिथ ने इस मृत चूहे का विश्लेषण किया, इस मृत चूहे को चीर फाड़ कर इसकी कोशिकाओं को निकाला, और इसकी कोशिकाओं को जब अंडर माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा कि इस चूहे की कोशिका में आर प्रभेद वाले जीवाणु और एस प्रभेद वाले जीवाणु हंसते खेलते नजर आए, दोनों के दोनों। कौन कौन से बोलो। उसने सोचा, यार ये एस प्रभेद वाले जीवाणु कहाँ से आ गए, इनको तो मैंने मरे हुए को प्रवेश कराया था। बोलो, ध्यान से सुनो, एस प्रभेद को तो मैंने मारकर प्रवेश कराया था, तो इसकी संतान कैसे मिल गई इस चूहे में, और संतान बनी एस प्रभेद की, तभी तो इस चूहे की मृत्यु हुई होगी, क्योंकि एस प्रभेद की संतानें बनी, उन्होंने इसमें कौन सा रोग फैला दिया, निमोनिया, और इस चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। अब उनके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि 100% कोई पदार्थ इस मरे हुए एस प्रभेद से निकलकर किसके पास जाता होगा, आर प्रभेद जीवाणु के पास, और उससे बोलता होगा कि तू मेरी जैसी क्या बनाएगा, संतान बनाएगा। अरे तभी तो एस प्रभेद वाली संतान मिली इसमें जीवित। क्यों मिली? क्योंकि ग्रिफिथ ने कहा कि 100% इस मरे हुए एस प्रभेद से कोई पदार्थ निकलकर किसके अंदर जाता होगा भाई, आर प्रभेद के अंदर जाता होगा, और अपनी क्या बनवाता होगा, संतान बनवाता होगा, तब इस चूहे की क्या हुई होगी, मृत्यु हुई होगी। अब ग्रिफिथ केवल इतना ही बता पाए थे बस कि भाई 100% इससे कोई पदार्थ बाहर निकलता है, और कुछ नहीं बता सके। फिर 15-20 साल बाद तीन वैज्ञानिक, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इन पर री अगेन रिसर्च किया। अब इन्होंने कहा, यार ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग वहीं पर छोड़ दिया था, अब इसको आगे बढ़ा के देखते हैं कि आखिर ये कौन सा पदार्थ जाता होगा। अब उनका एक्सपेरिमेंट समझना, ग्रिफिथ का तो केवल इतना ही एक्सपेरिमेंट था, ये तो बहुत सिंपल है ना, ठीक है, ग्रिफिथ का इतना ही एक्सपेरिमेंट था। अब उन तीन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये संवर्धन प्लेट ली लैब में, इसमें एस प्रभेद को डाला, लेकिन वो एस प्रभेद कैसा था, तापमृत, कैसा था बोलो, और ये डाला आर प्रभेद, कैसा, कौन सा मतलब, और लेकिन ये कैसा था, जीवित, और ये कैसा था, ऐसी ही तो कंडीशन थी, यहाँ भी सेम ऐसी कंडीशन थी। तो ऐसी कंडीशन उन्होंने कृत्रिम माध्यम पर दी इसको, मतलब एक प्लेट में एस प्रभेद जीवाणु को डाला, वो भी ताप मृत करके, और आर प्रभेद जीवाणु को डाला जो कैसा था, जीवित था। अब सुनो, अब इन्होंने क्या किया, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम डाले जो उन पदार्थों को नष्ट करते हैं, जैसे यदि मैं इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल दूं, कौन सा एंजाइम, तो प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है। अब एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाना, अरे ये तो मरा हुआ है, ये जीवित है, ठीक है, तो प्रोटीएज तो दोनों जीवाणुओं पे सेम काम करेगा, प्रोटीएज कौन है यो बताओ पहले, तो प्रोटीएज कौन है, प्रोटीएज एक एंजाइम है, कौन है,
और ऐसा एंजाइम है जो किसको नष्ट करेगा, प्रोटीन को नष्ट करेगा, मतलब प्रोटीन को नष्ट कर देगा। यदि मैं इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल दूं तो 100% इन दोनों प्रभेद के अंदर जो प्रोटीन है वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सुनिए, जब प्रोटीएज एंजाइम को इसमें डाला गया तो कुछ समय बाद जब इन्होंने इस पदार्थ का, इस संवर्धन का, इस तरल पदार्थ का विश्लेषण किया तो भी उसमें नई संतानें देखने को मिली। किसकी? एस प्रभेद की। कौन की? अरे आर प्रभेद की तो मिलेंगी मिलेंगी, वो तो अपना जनन करेगा ही करेगा, लेकिन प्रोटीएज के डालने पर भी इसकी संतानें देखने को मिली, एस प्रभेद की नई संतानें। उन्होंने सोचा यार प्रोटीन तो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, मतलब प्रोटीन तो इसके अंदर नहीं जाता है, अरे आर प्रभेद ही तो बनावेगा कि संतानन ने आर प्रभेद बनाएगा ना। तो उन मतभेद किस बात पे था, क्या प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है, क्या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, क्या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसी चीज़ पे मतभेद था। तो उन्होंने पहले कौन सा एंजाइम डाल के देखा, उन्होंने सोचा यार यदि प्रोटीन आनुवांशिक होगा ना, भाई सुनो ग्रिफिथ ने तो यूँ कह दिया था कि या तो कोई पदार्थ निकलेगा जो या के अंदर जाएगा, ठीक है, अब यदि प्रोटीन इसके अंदर से जाता तो नई संतान नहीं बनती ना। अब क्यों? क्योंकि हमने प्रोटीएज एंजाइम डाल दी हो और वो प्रोटीएज एंजाइम इसकी पूरी प्रोटीन को क्या कर देता, नष्ट। तो प्रोटीन तो जाने से रहा यहाँ पे, अब समझ में आ गई बात। यदि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता ना तो नई संतानें देखने को नहीं मिलती है इस प्रभेद की, समझ रहे हैं। तो प्रोटीएज डाला तो नई संतानें देखने को मिली, उन्होंने कह दिया भाई प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अब उन्होंने डाला आरएनएज डाला, वह हो सकता है आरएनए आनुवांशिक पदार्थ हो। अब आरएनएज क्या करेगा, इसके अंदर जो आरएनए होगा उसको नष्ट कर देगा। यदि ये आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता तो ये नष्ट हो गया होगा, तो ये नहीं जाना चाहिए था इसमें और ना ही संतान बननी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही आरएनए डाला फिर भी इसकी नई संतानें देखने को मिली। अब ग्रिफिथ को, इन तीनों वैज्ञानिकों को और बड़ा झटका लगा, यार आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अब इन्होंने लास्ट में क्या किया, एक लास्ट एंजाइम डाला डीएनएज। कौन सा एंजाइम डाला बोलो? अच्छा डीएनएज एंजाइम क्या करेगा बोलो, कि जो एस प्रभेद है उसके डीएनए को नष्ट करेगा कि नहीं करेगा बोलो, मार देगा ना डीएनए को, ठीक है। यदि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होगा तो नई संतान नहीं बनेगी ना, या जगह पे बनेगी क्या बोलो? भाई सुनो, यदि या के अंदर से डीएनए निकलते होगो और वो आर प्रभेद के पास जाता होगा तभी तो नई संतान बनी होंगी इसमें, ठीक है। तो जब हमने डीएनए एज डाला तो इसमें नई संतानें देखने को नहीं मिली। कौन की? एस प्रभेद की। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि 100% ये डीएनए ही वो पदार्थ है जो एस प्रभेद से निकलकर किस में जाता होगा और फिर अपने क्या बनाता होगा, संतान। भाई डीएनए एज एंजाइम डालने पे ही तो इसकी संतानें रुकी थी, तो हमने क्या सिद्ध कर सकते हैं इस बात से कि डीएनए ही वो पदार्थ है जो इस एस प्रभेद से निकलकर किसके पास जाता है, आर प्रभेद के पास जाता है, किसके पास जाता है। तब जाके पता चला था कि डीएनए कौन है, लेकिन इस नियम को मान्यता प्रदान नहीं की। बाद में जो हर्षी और चेस थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, इस एक्सपेरिमेंट में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है इसको मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। फिर लास्ट में हर्षी और चेस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने लास्ट में सिद्ध किया था कि वास्तव में ही डीएनए कौन है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये था ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। एक बार पढ़ के देखो भैया, दो मिनट, प्रत्येक पॉइंट को पढ़ के देखो। सब कर सके हैं ग्रिफिथ के प्रयोग है, अब है ना, बहुत सिंपल है। अब सुनिए भाई,
देखो अब ग्रिफिथ का प्रयोग हो गया। अच्छा डीएनए की पैकिंग बोलो, वो डीएनए की पैकिंग है, समझाऊ नहीं समझाऊ? डीएनए की पैकेजिंग सिंपल है, सब पे आवे डीएनए की पैकेजिंग। हाँ भाई ललाओ, ठीक है तो बात तो कर लेंगे पैकिंग वाले। अब हर्षे चेस के समझा दूँ एक बार, है ना, हर्षे चेस के, ठीक है सुनो। देखो अब हुआ क्या कि हर्षे और चेस नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंतिम रूप से सिद्ध किया कि वास्तव में ही डीएनए कौन है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। कि वास्तव में ही डीएनए कौन है, तो अंतिम रूप से डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध किया था हर्षे एवं चेस ने। यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि अंतिम रूप से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, इसको सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक तो कौन है। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे पूरे जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी मतभेद थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए और एट लास्ट सिद्ध हुआ कि वास्तव में ही डीएनए कौन है, एक आनुवांशिक पदार्थ। जरा कैसे हुआ ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इनका, थोड़ा सा ध्यान आप लगाना। अभी भी मतभेद इस बात पर था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है। तू कहाँ सोच रहा हो लला? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है, इस मतभेद को कंप्लीट रूप से समाप्त किया था हर्षे और चेस के एक्सपेरिमेंट ने। अब कैसे किया सुनिए, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन उसके निर्माण में एक तत्व भाग लेता है जिसका नाम है सल्फर। एक बार आके प्रैक्टिस कर ली हो, ठीक है? हाँ वैसे सिंपल है, कल मैं प्रतिकृति की बात बताऊंगा, एक बार तुम प्रैक्टिस करके देखना रप पे, एक बार इसको पढ़ना, वीडियो को रिवाइज करके देखना, ठीक है, और रप पे आके डायग्राम बना के देखी हूँ, ठीक है। वीडियो और छोटी रह गई आज।